बहुत व्यूज आने वाले हैं। कैसे भाग के आया, इमिग्रेशन का सब कुछ बताऊंगा कैसा रहा। इट्स टाइम फॉर डिनर और एयर कनाडा का आपको दिख ही रहा होगा कैसा सा आया है डिनर, बड़ा प्यारा सा। और सरदार जी देखो कर रहे हैं एंजॉय। हम खाएंगे दाल आलू और आप देखो इधर इधर चल रही है मौज। दाल आलू लच्छे पराठे और सैलेड हम करेंगे एंजॉय आराम से। ये तो नहीं कर पाएंगे हम एंजॉय क्योंकि हम लेते नहीं हैं, तो जो है हम वही करेंगे। आ गया हमारा ब्रेकफास्ट और जो हमारा ट्रैवल है वो रह गया है बहुत कम, आपको वो भी दिखा दूँ मैं। बस यहाँ से हमने जाना है 1 आवर 17 मिनट्स। उससे पहले आ गया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या है ये भी दिखा दूँ। गरम है डन। कनेक्टिंग के लिए जितनी प्रोसीजर थी, डिक्लेरेशन वगैरह थी, सब हो गई। अब नेक्स्ट फ्लाइट के लिए भाग रहे हैं यहाँ से और नेक्स्ट फ्लाइट 3 घंटे बाद है। 6 बजे हैं, 6:30 हो गए, 7 बज गए, घंटा लग गया पता भी नहीं लगा। और 9 बजे की है और 10:24 में वहाँ, और चलते हैं फिर भागते भागते। फिर मिलते हैं जल्दी से जशोपुर को। आ रही है लेने, वहाँ भागते भागते उठ गई है वो भी वहाँ पे। और देखते हैं कैसा है एक्सपीरियंस। आगे तक तो बहुत बढ़िया रहा, अच्छा लगा। वेदर तो है ही अच्छा, ठंडा भी है। और बस एक इमिग्रेशन क्लियर हो जाए वहाँ जाके, फिर तो मज़े ही मज़े। गॉट वर्क परमिट मिल गया, इसके अंदर जाके दिखाता हूँ। यहाँ से बोर्ड कर रहा हूँ। फ़्लाइट हो गई थी मिस, फ़्लाइट मिस हो गई। नुकसान हुआ या नहीं? नहीं हुआ। क्यों? इन्होंने नेक्स्ट फ़्लाइट में दे दिया बोर्ड। मिस इस चक्कर में ही इमिग्रेशन में लेट हो गया और ये नेक्स्ट फ़्लाइट में जा रहे हैं। और फिर मिलते हैं जल्दी जल्दी। वर्क परमिट भी आ गया। खुशी देख रहे हो, मज़ा आ गया। चलो पहुँचते हैं यहाँ से सीधा वहाँ, वहाँ जाके मिलते हैं जशोपुर से और फिर करेंगे रेस्ट। ठीक है, बाय। इमिग्रेशन में क्या था बताऊँगा। Finally, we have to collect luggage from Terminal 3. अब लगेज लेते हैं, बाहर चलते हैं। और पियर्सन आ गए टोरंटो। ये लिखा बैगेजेस के लिए। फ्लाइट मेरी मिस हो गई थी, मेरे लगेज आ रखे होंगे देखते हैं कितनी देर लगती है। बाकी अभी तक तो मौसम सही लग रहा है, बाहर जाके देखते हैं कैसा सा है कैसा सा नहीं। लगेजेस फ्रॉम हियर। चलो यहाँ तो फिर भी बहुत इंडियन दिख रहे हैं, मॉन्ट्रियल में तो है ही नहीं। वो रे लगेज वो पड़े मेरे, एक लगेज ये रहा, एक वो आ रहा, एक उसके पीछे आ रहा है। बेल्टें नहीं लगी हुई, ये कैसे हो गया। लगेज आई थिंक खुला है, खुला तो नहीं है पर लगेज पे बेल्ट भी नहीं है। तो गायब है, चलो लगे लेते हैं, भाग चलते हैं। फाइनली रीच्ड टोरंटो एयरपोर्ट और देख रहे हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, कितना प्यारा वेदर है। ये रहा हमारा लगेज। लगेज में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, वो आपको बताऊंगा क्या हुआ है। सारी बेल्ट लगेज में से हटी हुई हैं और मैंने सारी चेंज पे ये टाई बेल्ट लगाई थी, ये भी रिमूव है इस वाले लगेज से। और देखते हैं कैसा रहता है। जस्सू आ रही है, मैंने बता दिया पिलर नंबर A2, ऐसे पिलर नंबर A2 टर्मिनल 1। और जस्सू आएगी यहाँ से, हम कर रहे हैं उसका वेट। जल्दी 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 आएगी और हम जल्दी 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 जाएंगे। बाय। फाइनली आ गई जस्सू को और घर पे लेके, और लगेज आ गया अंदर। कौन था छोड़ने आया था? तो मेरा कॉलेज का फ्रेंड था हरी, जो हमें ड्रॉप करने आया था और पिक करने आया था। तो अब हम घर आ गए। हमें 1 घंटा लगा एयरपोर्ट से किचनर आने में, और ज़्यादा रास्ते में ऐसे ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं था, तो हम ऐसे आराम से देखते हुए आए हैं। ऑटम, क्योंकि यहाँ पे ऑटम आ गया तो लीव सारी रेड और येलो हो गई है, तो बहुत सुंदर हो गया, ऐसा सा सुंदर हो गया। ये देखो ये देखो ये देखो क्या, ये आ गई लीव सारी नीचे, ऐसा सा सुंदर हो गया। और हम भी इनकी तरह ऐसे ही सुंदर हो जाएंगे। अब हम भी आ गए हैं कनाडा फाइनली, इनके बुलाने पे ऐसे ऐसे करके। मैं बहुत भाग भाग के आया हूँ। कैसे भाग के आया, इमिग्रेशन का सब कुछ बताऊँगा कैसा रहा। और ये भी आए थे हमें लेने साथ। कौन है ये? हम जानते हैं इन्हें, ये है हमारी हाउसमेट सलोनी, और ये इनका फर्स्ट डेब्यू है। अब बहुत व्यूज आने वाले हैं। तो चलते हैं यहाँ से अंदर, लगेज दिखाते हैं और फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर देखते हैं क्या करना है। वो बड़ा लगेज, आराम से बैठते हैं, करते हैं लंच। ओके बाय बाय। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा इन्होंने वेलकम करा मेरा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब कितने दिन ये मेरे को शांति से बैठने देगी, बात वेलकम उसके बाद मेरे को फील होगा। और बहुत गिफ्ट जस्सू दे रही है। नहीं जस्सू नहीं दिया, मैंने कभी नहीं दिया। सच्ची में इसीलिए दिया।